आज हम इस वीडियो में बनाएंगे नान। इस वीडियो में मैंने तीन तरीके के नान सिखाए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं नान। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है। छानने से मैदे में कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहती और मैदा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने बीच में जगह बना ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मैंने यहाँ सूजी डाली है। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और मैं 1 ही चम्मच यहाँ डालूंगी बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का सा ही दूध डालेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए और इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी फूल जाए। एक मिनट के बाद हम इसमें दही डालेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ दही डाली है और इसको मैं अब आटे के साथ मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद हम दूध डालते हुए अपना जो आटा है वो अच्छे से गूंथ लेंगे। आटे को हमें सॉफ्ट ही रखना है। इस तरीके से मैंने आटा है जो गूंथ लिया है और यहाँ पर मेरा लगभग आधा गिलास ही दूध लगा है। देखिए इतना ही दूध लगा है। इसके बाद मैं हाथ पे ऑयल लेके और इसको अच्छे से मल लूंगी ताकि जो हमारा मैदा है, मैदे का जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से हमें इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से थपक थपक कर इसको मल लेना है ताकि हमारा आटा अच्छा हो जाए, नरम हो जाए। देखिए इस तरीके से मैं इसको 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि हमारा आटा नॉर्मल ना हो जाए यानी चिपकना बंद ना हो जाए, चिपचिपा ना रहे, तब तक मैं इसको मथती रहूँगी और बीच बीच में मैं इसमें तेल भी लगाती रहूँगी। और देखिए हमारा आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो सेट हो जाए। हल्के पानी से, मतलब कपड़े को गीला करके हल्का पानी से, और हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद हम इसको फिर थोड़ा सा मल लेंगे और इसकी लोई बनाकर रख देंगे। इस तरीके से हाथों से मलते हुए मैं इसकी लोई बना लूंगी। हमारी लोई नॉर्मल साइज से थोड़ी ही बड़ी होगी। इस तरीके से मैं अपनी चारों पेड़ी बनाकर रेडी कर लूंगी और इन पर ऑयल लगाकर इनको फिर मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। इनको ढककर मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया है। आधे घंटे बाद हम अपने नान बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अब मैं अपने नान बनाने जा रही हूँ और हल्का सा मैदा डस्ट करके मैं लोई को बेल लूंगी। इस तरीके से हमें ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। देखिए इस तरीके से, और मैं इसको नीचे से हल्का सा खींच दूंगी, ये नान की शेप आ जाती है इसमें। इसके बाद मैंने इसमें यहाँ कलौंजी लगाई है और हरा धनिया लगाया है और अपने हाथों से इसको थपक कर इसमें सेट कर दूंगी ताकि ये उतरे नहीं। अब उल्टे हाथ पर इसको उल्टा लगाकर यहाँ पे मैं इसके पीछे पानी का हाथ लगा दूंगी ताकि जो हमारा नान है वो तवे पर आसानी से चिपक जाए। तवा हमारा गरम होना चाहिए और तवे पे बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नान जो है वो चिपकेगा नहीं। अब इस तरीके से उंगलियां मारकर इसको हम चिपका देंगे और हमारी जो फ्लेम है
वो हम इस टाइम मीडियम रखेंगे ताकि जो हमारा नान है वो नीचे से सिक जाए। उसके बाद हम तवे को उल्टा करके और फ्लेम को हाई और लो करके दूसरी साइड से भी अपना नान अच्छी तरह इस तरीके से सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा नान सिक गया है। अब चिमटे की मदद से हम इसको तवे से आराम से उतार लेंगे और अब हम इसको अपने प्लेट पर ले लेंगे और इसमें हम अब बटर लगा सकते हैं और गरम गरम इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए नान बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से ही सारे नान बनते हैं। अब मैं दूसरी ले रही हूँ, यहाँ लोई ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको लच्छा नान बनाना सिखा रही हूँ। मैंने इसको बहुत पतला बेल लिया है और इस पर तेल लगा लिया है अच्छे से और अब मैं इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ, यानी इसको पूरा मैदे से कवर कर लूँगी इस तरीके से। और अब जिस तरीके से हम पंखा बनाते हैं उस तरीके से इसको शेप दे लेंगे और इसको खींच लेंगे ताकि जो हमारा मैदा का लोई है वो थोड़ी पतली हो जाए और एक फूल बनाते हुए इस तरह घुमाते हुए इसकी लास्ट नोब को हम पीछे बंद कर देंगे और इस पर हल्का सा तेल लगाकर इसको साइड में रख देंगे। इसी तरीके से दूसरा भी हम बेल लेंगे। यहाँ मैं ये गार्लिक नान बना रही हूँ सेम उसी तरीके से। यहाँ मैंने कलौंजी लगाई है, अब मैं यहाँ गार्लिक लगाऊंगी बारीक कटा हुआ है और धनिया पत्ती लगा लूंगी और बिल्कुल पहले वाले यानी बटर नान की तरह इसको भी सेक लूंगी इस तरीके से। और इस लच्छा पराठा को भी हम बेलकर रेडी रख कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। लच्छा पराठा छोटा ही बनता है। अब हम इन सबको पीछे पानी लगाकर तवे पर उसी तरीके से सेक लेंगे। यहाँ पर आप कांटे की मदद से भी यानी फोक की मदद से भी इसमें स्पेस दे छेद कर सकते हैं ताकि जो हमारा नान है वो फूले नहीं, क्योंकि अगर फूल जाता है तो वहां से वो जलने लगता है। इस तरीके से देखिए मैंने इसको भी सेक लिया है। ये हमारा गार्लिक नान बनकर रेडी है। और मैंने यहाँ पर अपनी लच्छा नान भी बनाकर रेडी कर लिया है और इसको प्लेट में उतार कर अब हम हल्का सा हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि जो इसके लच्छे हैं वो खुल जाएं। देखिए इस तरीके से मैं अपना आखिरी नान भी बनाकर बिल्कुल रेडी कर लूंगी। और अब इस पर बटर लगाकर हम इनको सर्व कर सकते हैं। आप इनको काट कर भी सर्व कर सकते हैं और इस तरीके से पूरा भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं काट कर सर्व कर रही हूँ तो पहले मैंने बटर लगाया है और अब मैं नाइफ की मदद से इसको कट कर लूँगी और अब हम इसको सर्व करेंगे और हमारे नान बनकर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने अच्छे नान बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।